कहाँ है 1 लाख छिद्र वाला शिवलिंग? 1 लाख चावल के दाने चढ़ाने का क्या है रहस्य? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसमें 1 लाख छिद्र हैं। इसमें से एक छिद्र ऐसा है जो पाताल लोक तक जाता है। इस शिवलिंग से चावल से जुड़ा एक ऐसा अनुष्ठान है जिसे करने से मान्यता है कि सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस वीडियो में इस विशेष शिवलिंग से जुड़े रहस्यों को आपके सामने रखेंगे। देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में रहस्यों और आश्चर्यों से भरा एक अद्भुत शिव मंदिर है जिसे लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण से केवल 3 किलोमीटर दूर खरोद कस्बे में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने खरोद में ही खर और दूषण नाम के राक्षसों का वध किया था, इसलिए इस जगह का नाम खरोद पड़ा। खरोद नगर में प्राचीन कालीन अनेक मंदिरों के होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। दोस्तों, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर में सावन मास में श्रावणी का बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर भी मेला लगता है। लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग की स्थापना स्वयं लक्ष्मण जी ने की थी, इसलिए इसे लक्ष्मणेश्वर महादेव कहते हैं। दोस्तों, लक्षलिंग की स्थापना के पीछे रामायण की एक रोचक कथा है। रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए उसका वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए राम और लक्ष्मण ने शिव के जलाभिषेक का प्रण लिया। इसके लिए लक्ष्मण जी सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों से जल एकत्रित करने निकले। इस दौरान गुप्त तीर्थ शिवरी नारायण से जल लेकर निकलते समय वे रोगग्रस्त हो गए। रोग से छुटकारा पाने के लिए लक्ष्मण ने शिव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने लक्ष्मण को दर्शन दिया और लक्षलिंग रूप में विराजमान हो गए, जिसके बाद लक्ष्मण जी ने लक्षलिंग की पूजा की और रोग मुक्त हो गए, जिसके बाद ये मंदिर लक्ष्मणेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रतनपुर के राजा खड़गदेव ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इतिहासकारों के मुताबिक इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर के बाहर परिक्रमा में राजा खड़गदेव और उनकी रानी हाथ जोड़े स्थित हैं। दोस्तों, लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर के शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, इसलिए इसे लक्षलिंग भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारी के अनुसार 1 लाख छिद्रों वाला ये दुनिया का इकलौता शिवलिंग है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर को लेकर कई आश्चर्यजनक रहस्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग के 1 लाख छिद्रों में से एक छिद्र पातालगामी है, क्योंकि उसमें कितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। वहीं एक छिद्र अक्षय कुंड है, इसमें जल हमेशा भरा ही रहता है, ये कभी नहीं सूखता। लक्षलिंग जमीन से करीब 30 फीट ऊपर है और इसे स्वयंभू भी कहा जाता है। खरोद के लक्ष्मणेश्वर महादेव में चावल चढ़ाने को लेकर भी एक खास मान्यता है। माना जाता है कि शिवलिंग पर 1 लाख चावल के दाने चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यहां लोग मनोकामनाएं पूरी करने के लिए चावल के 1 लाख दाने कपड़े की थैली में भरकर चढ़ाते हैं। इस चावल को लाख चाउर या लक्ष चावल भी कहा जाता है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग यहां 1 लाख चावल और जल चढ़ाने आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहां विशेष पूजा और अभिषेक होता है। मंदिर को लेकर ये भी मान्यता है कि लक्षलिंग के दर्शन मात्र से ही निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए यहां दूर दूर से संतान की चाह रखने वाले दंपति जोड़े के साथ दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लक्ष्मणेश्वर महादेव मंदिर में स्थित लक्षलिंग के बारे में अगर आपको कोई अनोखी जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।